जय हिंद साथियों, एशियन गेम 2023 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2023 में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण यानी कौन से नंबर का इस बार एडिशन आयोजित किया गया है। तो वो एडिशन है 19वें नंबर का। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इस बार 2023 में एशियन गेम हो रहे हैं वो होने तो थे एशियन गेम 2022 में, लेकिन कोरोना के चलते साथियों इनको 2023 में स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दूं 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये चले हैं और हर प्रत्येक 4 साल में एक बार होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 19वें एशियाई खेलों का मोटो क्या था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका मोटो क्या है, इसको मोटो था हार्ट टू हार्ट इरेट द फ्यूचर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशियाई खेल 2023 की बात करें तो भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो मेडल टैली 8 अक्टूबर को रिलीज हो गई थी, उसमें भारत आपको बता दूं 100 मेडल से भी ऊपर मेडल गेन कर चुका है और टोटल चौथे स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे कि भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो एशियाई खेल 2023 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने जीते हैं रिकॉर्ड बनाया है टोटल 107 मेडल जीते हैं। अब इसमें 107 में कौन कौन से मेडल हैं पहले तो वो देख लीजिए। आपको मेडल टैली में दिख रहा होगा कि 28 गोल्ड जीते हैं भारत ने और 38 सिल्वर मेडल जीते हैं। ब्रॉन्ज की बात करें तो टोटल 41 मेडल जीते हैं, ऐसे करके टोटल 107 मेडल हैं। पहले नंबर पर बात करें तो चाइना है जिसने टोटल 383 मेडल जीते हैं, जिसमें अगर गोल्ड की बात करें तो टोटल 201 मेडल है, 111 इन्होंने सिल्वर जीते हैं और 71 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे नंबर पर है जापान और तीसरे नंबर पर कौन सा देश है दोस्तों, कोरिया। एशियाई खेलों का जो 20वें नंबर का संस्करण होने वाला है, आप जानते हैं हर 4 साल में होता है, तो अब 2026 में होगा। कौन से नंबर का, 20वें नंबर का, तो वह किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो वह आयोजित किया जाएगा हमारे पड़ोसी देश जापान में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं प्रीवियस वाले की यानी 18वें नंबर की, जो कि कहां पर हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 19वें नंबर के एशियाई खेलों में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल किस खेल में जीते हैं। यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने टोटल 107 मेडल जीते हैं लेकिन किस खेल में सबसे ज्यादा जीते हैं, तो वो जीते हैं एथलेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब टोटल कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं। अगर इसी में आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन पूछ ले, ये तो टोटल मेडल पूछे हैं, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किस खेल में जीते हैं, तो वो जीते हैं साथियों शूटिंग में, जिसमें टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं शूटिंग में इंडिया वालों ने, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एशियाई खेल 2022 की पदक तालिका में टॉप 3 देश कौन से रहे हैं, तो मैंने आपको अभी मेडल टैली दिखाई थी जिसमें पहले नंबर पर था कौन, चीन, दूसरे पे जापान और तीसरे पे था कोरिया, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा साथियों कि वेहर वर द 19th एशियन गेम ऑर्गेनाइज, तो 19वें नंबर के जो खेल हो रहे थे किस देश में हुए हैं, तो आपको बता दूं चाइना में तो हुए थे और चाइना में भी कहाँ पे, होंगजाऊ में, और 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चले थे ये खेल 2023 में, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 के एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था, जिसको हम बोलते हैं मास्कोट, तो वो क्या था दोस्तों, मेमोरीज ऑफ जियांगनन। जी हाँ दोस्तों, आपको ये याद रखना है, साइड में आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये इन तीनों का मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एशियाई खेल 2023 में भारत की तरफ से टोटल कितने खिलाड़ी खेलने गए थे, तो आपको बता दूं इस बार सबसे ज्यादा 655 खिलाड़ी भारत की तरफ से एशियन गेम 2023 में भाग लेने गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एशियाई खेल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस भारतीय ध्वजवाहक ने की थी, तो ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो वो करी थी लवलीना बोरगेन और साथ ही साथ हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने।
अब आपसे इससे अपोजिट पूछ सकता है कि क्लोजिंग सेरेमनी में किसने झंडा फहराया था, तो वो थे पी आर सिरजेस। आपको अब ये बताना है जो पी आर सिरजेस हैं वो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। 19वें नंबर के एशियाई खेल में आदिति अशोक, जिनका संबंध है किससे, गोल्फ से। इन्होंने दोस्तों एशियाई खेलों में पहला मेडल जीता है और ये ऐसा करने वाली पहली वुमेन बन चुकी हैं। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता है वो आपको बताना है गोल्फ में, तो वो जीता है सिल्वर मेडल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत की घुड़सवार टीम ने कितने साल बाद में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता है, तो आपको बता दूं 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। 41 साल के बाद में भारत को गोल्ड मिला है घुड़सवारी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एशियाई खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बन चुकी हैं। आज से पहले किसी महिला ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था भाला फेंक में, और यह ऐसा करने वाली कौन बनी है पहली वुमेन, तो वो है अन्नू रानी जी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एशियाई खेल 2023 में किस देश की महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। अब आपको दोस्तों ऐसी सुनहरी ट्रिक बता दूंगा कि आपको 6 मेडल याद हो जाएंगे। अगर कबड्डी में मेल की बात हो चाहे फीमेल की बात हो, दोनों में इंडिया ने गोल्ड जीते हैं। दूसरे खेल की बात करें क्रिकेट, क्रिकेट के मेल हों चाहे फीमेल हों, दोनों ने ही क्या जीता है, गोल्ड जीता है। तो दो खेल तो कंप्लीट हो गए, अब तीसरा खेल लेते हैं हॉकी। हॉकी की अगर बात करें मेल्स की तो उन्होंने तो जीता है गोल्ड। अगर वुमेन्स की बात करें तो हालांकि थोड़ा सा पीछे रह गए लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी उन्होंने, उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। हॉकी की वुमेन्स ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, बाकी जो मैंने आपको 5 बताए उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि महिला कबड्डी टीम में किसने गोल्ड मेडल जीता था, तो भारत की टीम ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एशियाई खेलों के जो 19वें नंबर का संस्करण था इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो आपको बता दूं 45 देशों ने भाग लिया था। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि एशियन गेम है तो सारे एशिया के देश ही इसमें भाग ले सकते हैं। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत ने अभी तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया है। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक भारत ने टोटल 2 बार एशियाई खेलों की होस्टिंग करी है। सबसे पहले करी थी एक बार पहले वाले 1951 में न्यू दिल्ली में, उसके बाद में दूसरी बार मौका मिला था 1982 में जो कहाँ पर हुए थे, न्यू दिल्ली में। तो ऐसे 2 बार होस्टिंग करी है भारत ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों मुझे आपका लाइक नहीं चाहिए, सब्सक्राइब नहीं चाहिए, बस कंप्लीट वीडियो देखा करो। थैंक यू।